हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप जा ब्रेकअप शो में। सबसे पहले अगर हम आज के दिन का एफआई ओडीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने 1165 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2100 करोड़ की सेलिंग करी है। इसी के साथ साथ हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले जहाँ पर हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। तो वहां पर सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कहानी अगर मैं सिंपल सी बताऊं तो काफी लोगों के लिए ये पेनी स्टॉक होने भी वाला है और ये रियलिटी में पेनी स्टॉक भी है। लेकिन अगर टेक्निकल्स में कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा तो वहां पर हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है। यहाँ पर इसने कप विद हैंडल और फिर उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 32.45 का ये लेवल होने वाला है ब्रेकआउट का, अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है, तो ये हमारे नोटिस में रह सकता है शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, तो इस स्टॉक को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है फिनोलेक्स केबल। बैक टू बैक ये स्टॉक डिस्कस हुआ है और उसी के साथ मेंबर्स के साथ ये स्टॉक स्पेशली डिस्कस हुआ ही हुआ है। ये थी इसमें हमारी इंपोर्टेंट स्पोर्ट जहां से ये बार बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा था और आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है और वहीं से हमें मूवी देखने को मिली है जहां पर ये हमारे फिर से नोटिस में आ चुका था। आज इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है लेकिन एक बार के लिए काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, कभी भी रिट्रेस करने आता है तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। 935 के लेवल के आसपास ये हमारे लिए स्टडी परस्पेक्टिव नोटिस में रह सकता है। थर्ड स्टॉक होने वाला है देवयानी इंटरनेशनल। इस स्टॉक की कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये स्टॉक हमारे यहाँ पर ऑलरेडी फोकस में आया था जब इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ था, मार्केट में दिक्कत आई थी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और हमने उसे एक्सेप्ट भी किया था। और स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने का रीजन आप देख लो उसका, जहां पर हमें कितना मेजर फॉल देखने को मिला है। सीधा ये स्टॉक चला गया था 135 के आसपास, मतलब कि एक अच्छा खासा फॉल आ चुका था अप्रोक्स 35% का, और हमने वहां पर 5% के स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हुए 35% के स्टॉप लॉस से बच चुके थे, वरना हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है और हमारी पेमेंट भी काफी टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसने प्यारा सा कप विद हैंडल बना चुका है और फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, इमीडिएट हमारे नोटिस में रहेगा। लेकिन अभी यहां पर हमें वॉल्यूम्स की कमी देखने को मिल रही है, अगर वॉल्यूम्स भी आते हैं तो ये हमारे लिए नोटिस में आ जाएगा, तो इस स्टॉक को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। इनफैक्ट यहां पर हमें शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का भी ये स्टॉक कैंडिडेट बन सकता है, तो हमारे नोटिस में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अब इस स्टॉक की अगर बताएं तो जहां पर तो आप लोगों के साथ बैक टू बैक डिस्कस हुआ ही हुआ है, जहां पर हमारी बार बार एंट्री हुई हुई है, हमेशा जहां पर अच्छी हमें प्रॉफिट बुकिंग एरिया था, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया फिर से निकल चुका था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कल के लिए इमीडिएट हमारे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव नोटिस में रहेगा, 395 के ऊपर तो ये हमारे शॉर्ट रन का कैंडिडेट बन ही जाएगा और उसी के साथ साथ इंपोर्टेंट स्पॉट इसमें हमें मिलेगी 367 की। उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम आज की मार्केट की बात करते हैं तो ये था हमारा रेजिस्टेंस और हमें वहां से इमीडिएट एक नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। उसके तो मार्केट अगर हम ओवरऑल में आज के दिन की बात करते हैं तो फ्लैट सी मार्केट रही है, हमें ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला है। लेकिन अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं, बिकॉज कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी और एक्सपायरी में क्या कल के दिन हमें हीरो जीरो ट्रेड मिल सकती है। अगर मैं अपनी स्टडी परस्पेक्टिव बात करूं तो मुझे ऐसा कल के दिन नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा आप लोग ऑप्शन चेन में देख सकते हो, ऊपर की साइड हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, हालांकि 19800 हमारे लिए एक और मेजर पेन लेवल होने वाला है। अगर हम नीचे की साइड की बात करते तो हर लेवल पर बढ़ बढ़ के पुट सेलिंग हुई हुई है, मतलब कि मार्केट ना तो नीचे जाने को तैयार हो रहा है। ऊपर की साइड हमें हालांकि रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है लेकिन फिर भी अच्छी खासी कॉल सेलिंग हुई पड़ी है, लेकिन 9:30 के बाद हमें डाटा को दोबारा से इंटरप्रेट करना पड़ेगा क्या मार्केट में सिनेरियो बन रहा है। एक बार के लिए तो हमें जहां पर वीकली एक्सपायरी एक्सपायर्ड होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम टेक्निकल बेसिस पर बात करते हैं तो इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वो हमें मिलेगी 19,730 के पास। हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाले जो आज के दिन का लो था वो हमारे लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट कल के दिन जहां पर हमें इसके आसपास मिलती है तो
तो वहां पर हम एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा जहां से हमें ऊपर की साइड की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट 19,800 तक हमें वो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस लेवल के आसपास आता है तभी ये हमारे पास मौका बनेगा, अदरवाइज कल के दिन फर्स्ट हाफ में 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारे पास ऑप्शन सेलिंग का अच्छा दिन रह सकता है, तो हमारा ध्यान उस पर रह सकता है। उसके बाद ट्रेडिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अगर बाय चांस सेकंड हाफ में वायलेंट मूव्स आए, अगर बाय चांस कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स ट्रैप हुए, तो वहां पर हमें एक मूव भी देखने को मिल सकती है। बिकॉज चाहे हमें डाटा को देखते हुए आज के टाइम पे एक्सपायरी वाला माहौल एक्सपायर होते हुए देखने को लग रहा है, लेकिन एट लास्ट में मार्केट ही भगवान होने वाली है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, और एट लास्ट में मार्केट अपनी ही चलाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हमें देखते हुए मिला तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर की साइड का कोई भी नहीं रहने वाला है, तो वहां पर तो हम ऊपर की साइड से अगर हम शॉर्टिंग की बात करते हैं तो वो हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बिकॉज वो गैम्बलिंग वाला काम हो जाएगा और स्टॉक मार्केट में हमें गैम्बलिंग नहीं करनी होती। अगर मैं शॉर्ट की बात करूं, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और सस्टेन करना शुरू करती है तभी जाकर हमें वहां पर एक स्पेकुलेशन का मौका मिलेगा, अदरवाइज हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कल के लिए मार्केट में। और उसी के साथ सर ना आज के दिन हो चुकी थी काका इंडस्ट्रियल एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, एक तो ये टाइम पर आकर लिस्टिंग डेट को चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से आप लोगों के साथ उसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर हमें अपर सर्किट भी देखने को मिल चुका है, ऑलरेडी वहां पर हमारी अमाउंट डबल हो चुकी है। जिन लोगों को भी वो आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स, पर्सनली फिर से मेरी किस्मत जहां पर अच्छी नहीं रही थी क्योंकि मुझे ये एसएमई आईपीओ नहीं अलॉट हुआ था, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, हमें तो अब हमारा काम करना है, आईपीओ मिलना ना मिलना वो अलग मैटर होने वाला है, लेकिन अप्लाई ही नहीं करेंगे फिर तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारे पास मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने भी तो कहा है कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, बस वही काम हमें करना है, हमें हमारा काम करते रहना है, मार्केट को सीखते रहना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। अगर हम मार्केट को सीखने लग गए तो मार्केट अपने आप ही हमें इसका इनाम दे देगा, जैसा कि हमें कल के दिन मार्केट में देखने को मिला था, बैक टू बैक 5 ट्रेड हमारे साथ इनिशिएट हो चुकी थी। एक बार के लिए कल की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।